सम्मिलन आज आप लोगों को 11 से गुणा करने की विधि ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। जैसा कि जैसे आपको गुणा करना हुआ 11 × 63, अब इसको गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस 11 को नहीं टच करेंगे, हम इसमें 63 में देखेंगे। 63 को हम क्या करेंगे, एक बार हम इन दोनों संख्याओं को हटा देंगे, तो हो गया हमारा 6 3 हटा दिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार हम इन दोनों संख्याओं को सटा देंगे, तो हमारा हो गया 6 3 9, हो गया हमारा 11 × 63 गुणा हो गया हमारा 693। अब हम आपको और बता रहे हैं, जैसा कि आपको 11 × 72 को गुणा करना हुआ, तब दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको नहीं छुएंगे, हम इसमें देखेंगे, तो 72 में हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों संख्याओं को हटा देंगे, तो हमारा हो गया 7 और 2, और एक बार हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को सटा देंगे, तो हमारा हो गया 7 2 9। अब उसके बाद दोस्तों हम आपको और बता रहे हैं, जैसा कि आपको गुणा करना हुआ 11 × जो है 11 × हो गया 33। अब हम इन दोनों को गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 11 को तो हम नहीं टच करेंगे, इसमें 33 में देखेंगे, एक बार हम इन दोनों संख्याओं को हटा देंगे, फिर उसके बाद हम एक बार इन दोनों संख्याओं को सटा देंगे, तो 3 3 6। अब देखो दोस्तों हम आपको और बता रहे हैं, जैसे 11 × 73, अब हमें जैसे इन संख्याओं को गुणा करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करने के लिए देखिए 7 3 10, जब इन दोनों अंकों का योग हमारा 10 से ज्यादा हो जाए, तब हम क्या करेंगे, एक बार हम इन दोनों संख्याओं को ऐसे हटा देंगे। अब उसके बाद हम जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, तो हमारा हो गया 7 3 10। जब 10 हो गया, तो 0 को हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हमारा एक बच रहा है, इस एक को हम यहाँ पे हासिल जोड़ देंगे, तो हमारा हो गया 803। अब जैसे दोस्तों हम आपको और बता रहे हैं, जैसा कि हमारा हो गया 11 × 89, इन दोनों को गुणा करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक बार हम इन दोनों संख्याओं को हटा देंगे, तो हमारा हो गया 8 और 9। अब जब हम इन दोनों संख्याओं को सटाएंगे, तो हमारा हो गया 9 8 17। 17 की 7 तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन ये जो एक बचता है हासिल हो आकर इसमें जुड़ जाता है, तो हमारा हो जाएगा 969। इसका आंसर हमारा इतना आएगा। अब देखो दोस्तों हम आपको और एक उदाहरण दे रहे हैं, अब जैसे हमारा हो गया 11 × मान लो 95 हो गया, अब इसको गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों संख्याओं को हटाएंगे, तो हमारा हो गया 9 और 5। अब इन दोनों को जब सटाएंगे, तो हमारा हो गया 9 5 14। 14 की 14 तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन एक जो है हमारा इधर आके जुड़ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 45, उसके बाद 9 1 10, ये हमारा आंसर हो गया। मैं राम मिलन आज आप लोगों को इकाई अंक 5 तथा 10 के अंतर वाली संख्याओं को गुणा करने की विधि ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। जैसा कि अगर आपको 35 और 45 का गुणा करना हुआ, इनका देखिए इकाई अंक 5 और इनमें दोनों संख्याओं में 10 का अंतर है, तब हम इनको गुणा करने के लिए इन दोनों संख्याओं में दोनों में जिसका जो है दहाई अंक सबसे बड़ा होगा उस संख्या का वर्ग करेंगे। जैसे 35 और 45 में जो है ये 4 जो है बड़ी है, तो इस संख्या का हम वर्ग करेंगे 4 4 के जब हम वर्ग करेंगे, तो होगा हमारा 4 चौक 16, इसमें हम एक माइनस कर देंगे, तो हमारा हो गया 15, और उसके बाद लास्ट में हम 75 अपने मन से लिख देंगे, तो इसका 35 और 45 का गुणा हमारा हो गया 1575। अब हम आपको अगली बता रहे हैं, जैसे 25 × 35 करना हुआ, तो आप क्या कीजिए, आप 75 अपने मन से लिख लीजिए, उसके बाद इन दोनों संख्याओं में जिसका दहाई अंक बड़ा हो उस संख्या का वर्ग करके एक माइनस कर दीजिए। जैसे 3 का हम वर्ग करेंगे, तो 3 3 9, 9 में से एक माइनस कर दिए, तो 8, तो 8 को हम यहाँ पे लिख दिए, तो 25 × 35 का गुणा हो गया 875। अब उसके बाद हम आपको आगे बता रहे हैं, जैसे
पैंतालीस गुणे 55 करना हुआ तो हम क्या करेंगे, 75 जो है अपने मन से ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद इन दोनों संख्याओं में जिसका दहाई अंक बड़ा हो उस संख्या का वर्ग करके एक माइनस कर देंगे। इसमें इन दोनों में चार और पांच में पांच बड़ा है तो पांच का हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25। 25 में एक माइनस किए तो हो गया 24। तो हम यहाँ पे 24 लिख दिए तो हमारा 45 और 55 का गुणा हो गया 2475। अब जैसे हम आपको और एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि 55 गुणे 65 करना हुआ। अब हम इन दोनों में क्या करेंगे, 75 हम अपने मन से ऐसे लिख लेंगे। अब उसके बाद इन दोनों में जिसका दहाई अंक बड़ा हो उसका वर्ग करके एक माइनस करेंगे। इन दोनों में बड़ा हमारा 6 है तो 6 का वर्ग करेंगे तो 6 × 36, 36 में से एक माइनस किए तो हमारा हो गया 35। आ गया इसका आंसर। हम आपको और दे रहे हैं उदाहरण, जैसे 85 गुणे 95। अब देखो इन दोनों संख्याओं में इकाई अंक 5 और दोनों में 10 का अंतर है तो इसको हम गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 75 हम अपने मन से लिख देंगे। अब उसके बाद इन दोनों में जो बड़ा है उस संख्या का वर्ग करके एक माइनस करेंगे तो दोनों में 9 बड़ा है तो 9 का वर्ग करेंगे, 9 × 81, 81 में से एक क्या हो गया हमारा 80। अब उसके बाद जैसे हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, जैसे 115 गुणे 125। अब हम इसको गुणा करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का इकाई अंक 5 है और अंतर जो है 10 का है तो हम क्या करेंगे, 75 हम अपने मन से ऐसे लिख देंगे। अब दोनों में देखेंगे 11 और 12 में जो है 12 हमारा बड़ा है तो हम 12 का वर्ग करेंगे, 12 बढ़ाइए 144, 144 में से एक माइनस करेंगे तो हमारा हो गया 143। आ गया आंसर। जैसे हम आपको और बता रहे हैं, जैसे मान लो 145 गुणे 155। इन दोनों संख्याओं को हम देखेंगे तो इन दोनों का इकाई अंक जो है 5 है और दोनों संख्याओं में 10 का अंतर है तो इसको गुणा करने के लिए जो है हम 75 अपने माइंड से ऐसे लिख लेंगे। अब हम देखेंगे दोनों में किसका कौन सी संख्या बड़ी है, जो बड़ी रहती है उसी संख्या का वर्ग करेंगे तो 15 होता है 225, 225 में से एक गया तो हो गया हमारा 224, 224 इसके आगे हम लिख देंगे। दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।